हुए, उस हिसाब से समाज के विकास में या सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी। दिक्कत फिलहाल जो चल रही है वो मोदी जी की नीतियों के कारण चल रही है, क्योंकि कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। लेकिन विजय जी आप पर तो आरोप है लगा रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके खाते में, कांग्रेस के खाते में फिलहाल मुस्लिमों का रुझान तो रहता है और साथ ही अब वो हिंदू पर भी अटैक कर रहे हैं जाति जनगणना को लेकर, हिंदुओं को भी बांटना चाहते हैं जाति आधार पर, इसलिए कराना चाह रहे हैं जाति जनगणना। के अंदर मोदी जी और अमित शाह बार बार क्या दावा कर रहे हैं, हमने कश्मीर में अमन चैन स्थापित कर दिया, हमने ये कर दिया, फिर भाजपा ने अपने कैंडिडेट क्यों उतारे वहाँ, क्यों इनको लद्दाख में अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ा मोदी जी को, क्योंकि लद्दाख की जनता इनके खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के लोग इनके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि मोदी जी की ही सहयोगी रही महबूबा मुफ्ती ने वहां पर खुलासा किया है कि कश्मीर की लिथियम और गोल्ड की खानों को अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करने के लिए मोदी जी ने धारा 370 के अनुच्छेद में बदलाव किए हैं। तो हर जगह आपका सवाल पूछ लेते हैं, लद्दाख में क्यों चेंज करना पड़ा उम्मीदवार, लेकिन आपने हमारे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना का जिक्र किस रूप में किया गया है, ये समझना चाह रहे थे आपसे। फिलहाल फिर से अभी आएंगे, हम उनसे बात कर लेते हैं, रत्नाकर जी से। बताएं क्यों उम्मीदवार चेंज करना पड़ा आपको? उसका अधिकार मिल सके रत्नाकर जी, हो सके कहीं ऐसा ना हो कि किसी जाति को तो जिसकी संख्या 100 है हमारी उसकी है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं कि मैं जिस नॉर्थ मुंबई की सीट पे आज यहाँ पे लोकसभा में हूँ, वहाँ पे अभी तक महज 20 दिन के बाद 22 दिन के बाद चुनाव है, लेकिन अभी तक इन्होंने इनको कैंडिडेट तक नहीं मिल पाया है। ये परिस्थिति है आज कांग्रेस की। कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए इनके पास कैंडिडेट तक नहीं मिल पा रहे हैं आज जो है देश की परिस्थिति, क्योंकि समझ रहे हैं कि हार निश्चित है, इसलिए कोई तैयार नहीं हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए। और ये इतना झूठ बरगलाने की कोशिश करते हैं, झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, ये कहते हैं कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, आप लोग संविधान तो बचा हुआ है, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है और संविधान को कोई छेड़छाड़ कर भी नहीं सकता। लेकिन आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि हम ये भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी तो रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि ना रिजर्वेशन खत्म करेंगे हम और ना किसी को हम रिजर्वेशन खत्म करने देंगे। तो ये झूठ का प्रोपेगेंडा है, ये झूठ की जो बरगलाने की बातें, जनता को गुमराह करने की बातें जो है ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग करते आ रहे हैं। इससे जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इनके पास मुद्दा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। इनके पास मुद्दा सिर्फ यही तुष्टिकरण की राजनीति, धर्म की आधारित राजनीति, जाति की राजनीति। इंडी गठबंधन के इनके नेता हैं जो अखिलेश यादव, यही अखिलेश यादव पिछली विधानसभा के चुनाव में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, बहुत धोखेबाज पार्टी है, और आज वही इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या लेकिन आप दोनों पर आरोप लगता है कि वहां की जाति और समुदाय को देखकर ही आप लोग उम्मीदवार बदलते रहते हैं और उतारते हैं ऐसे ही उम्मीदवार की वोटों को साध सके। पूजा, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या लगता है आपको कि उम्मीदवार यही देखकर उतारे जाते हैं, हर पार्टी यही उम्मीदवार देखकर उतारती है कि कहाँ की वोट बैंक कहाँ मजबूत है, या सबको मौका देना चाहते हैं हर दल के लोग? पूजा, पूजा आपसे सवाल। दोनों की लड़ाई एक ही मोड़ पे आके रुक गई है कि अपना उम्मीदवार उन्होंने जाति के अनुसार उतारा। हालांकि देखा जाए कि सभी दल जाति के हिसाब से भी उम्मीदवार उतारते हैं, शायद वोट बैंक साधने के लिए, या फिर यह भी हो सकता है कि सबको मौका देना चाहते हैं, वो एक धर्म या एक जाति को मौका नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है पूजा इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अनुपमा, जितना मैं आपको सुन पाई जातीय समीकरण का आप जिक्र कर रही थी, तो देखिए जातीय समीकरण का मुझे लगता है लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है जातीय समीकरण, और हर एक राजनीतिक दल जातीय समीकरण पर खेलती आई है। जातीय समीकरण इस बार गौतम बुद्ध नगर में हावी होता दिखा है, क्योंकि देखिये ठाकुर वोटर्स जो थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे। गाजियाबाद से क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से वीके सिंह का जब टिकट काटा और अतुल गर्ग को वहां से टिकट दिया गया, तो वहां के जो वोटर्स थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो ठाकुर वोटर्स थे वो बीजेपी से काफी नाराज दिखे। हालांकि जब 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे नोएडा, और नोएडा में उन्होंने रैली की थी, महेश शर्मा के हित में उन्होंने वोट देने की अपील की थी। उस वक्त उन्होंने लोक लुभावने वादे किए थे और उस वक्त जनता को मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से अपनी जनता को रूठने नहीं देती है, अपने कार्यकर्ताओं को रुष्ट होने नहीं देती है। लेकिन हाँ, जातीय समीकरण इस बार हावी होती निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। देखिए कांटे की टक्कर यहाँ पर, त्रिकोणीय मुकाबला तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से जरूर महेंद्र नागर को यहाँ टिकट मिला है, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट के बीच में देखी जा रही है। बीएसपी का कैंडिडेट जो कि राजेंद्र सिंह सोलंकी है, यानी कि बीएसपी ने इस बार ठाकुर चेहरे पर दाव खेला है। महेश शर्मा मिला के सभी दल देखते हैं जातियों पर वोट बैंक की राजनीति देखते हैं, इसीलिए ऐसे कैंडिडेट उतारते हैं। फिलहाल इस पर हम जिक्र बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा।